सिडनास के गाने अधूरा का नाम बदल दिया गया है। सिडनास फैंस की पावर एक बार फिर से साबित हो गई है। ये गाना सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का साथ में आखिरी गाना है। शूट हुआ था गोवा में, आधा ही शूट हो पाया था, फिर कुछ दिक्कत आ गई, इस वजह से गाना रिलीज नहीं हुआ और फिर सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से चले गए। लेकिन इसके बाद सारेगामा ने ऐलान किया कि इस गाने को वो रिलीज करेंगे। गाने को नाम दिया गया अधूरा, एक अधूरा गाना, एक अधूरी कहानी। लेकिन फैंस नाराज हो गए। फैंस का कहना था कि अधूरा कहां, सिडनास की कहानी तो पूरी है। फैंस बोले कि सिद्धार्थ शुक्ला ने तो शहनाज गिल की बाहों में दम तोड़ा, तो इनकी कहानी अधूरी कैसे हुई, इनकी कहानी को अधूरा मत कहिए। फैंस तो वैसे भी कहते हैं कि सिडनास अमर है, लैला मजनू, हीर रांझा, इस तरह की कहानी है, टेलीविजन में ऐसी कोई जोड़ी है ही नहीं जो सिडनास की टक्कर की हो। और सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज की आंखों ने वो राज भी बयां कर दिया जो ये दोनों छिपाने की बहुत कोशिश करते थे लेकिन छिपा नहीं पाते थे। अब फैंस खुश हैं कि इसे फिर से हैबिट कर दिया गया है। उनका कहना है कि भाई हैबिट ही तो है, सिडनास की हैबिट, सिद्धार्थ की हैबिट, शहनाज की हैबिट। गाना 21 नवंबर को रिलीज हो रहा है और जो पोस्ट शेयर की गई है सारेगामा की तरफ से उसमें लिखा है, सिडनास फैंस स्पोक एंड वी हर्ड, अधूरा इज नाउ हैबिट, कि सिडनास फैंस ने कहा और हमने सुन लिया, अधूरा अब हैबिट है। तो क्या कहेंगे आप इस पहल पर सारेगामा की, कि उन्होंने फैंस की इस गुजारिश को माना, फैंस की बात को सुना, भाई सिद्धार्थ का और शहनाज का साथ में एक तरह से आखिरी गाना है। हालांकि फैंस के दिलों में वो हमेशा रहेंगे, लेकिन इसको लेकर फैंस के जो इमोशंस हैं, सिडनास को लेकर फैंस के जो इमोशंस हैं, उसको सारेगामा ने सुना और इसे बदला। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए और कितने एक्साइटेड हैं इस गाने के लिए, बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय। फिर मिलते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।